आपकी सबसे पहले ये बताइए, अक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या शुरू से ही अमिताभ बच्चन के लिए आपने वो रोल सोच के रखा था जो उन्होंने किया है? अक्स का कॉन्सेप्ट असल में मेरे मित्र हैं जो राइटर हैं रेंजल, उनके साथ बैठ के हमने कहा कि कुछ नया कुछ अनोखा करते हैं। तो बैठ के हमने एक 25 पेज का एक कॉन्सेप्ट नोट लिखा, स्टोरी लाइन लिखी, जो एक दिन जब मैंने अमित जी को दिया, वो दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ रहे थे और मैंने उनको बोला अगर फ़्लाइट पे टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। बस उनका प्लेन जब उतरा दिल्ली और उन्होंने मुझे प्लेन से ही फ़ोन किया मोबाइल से और बोला कि लेट्स डू इट। सी इट ऑलवेज वर्क्स। हाँ, जब जैसे जैसे स्क्रिप्ट डेवलप होती गई और आइडिया ने एक संपूर्ण एक उसका एक शेप बनती गई एक, तो वैसे वैसे ये काफ़ी क्लियर जाहिर हो गया कि इस रोल को सिर्फ अगर आज की तारीख में कोई निभा सकते हैं तो अमिताभ बच्चन। कैसा रहा उनके साथ पूरा एक्सपीरियंस इस फिल्म में काम करने का? It was a learning experience to begin with, and ये चंद शब्दों में बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने हर पल हर जो सेट पे बिताया, डिस्कशंस में बिताया और डबिंग थिएटर में बिताया, अक्स के दौरान जितना भी समय मेरा और अमित जी के बीच में बीता वो उसका हमने बड़ा लुत्फ़ उठाया, उसमें बड़ा मज़ा आया और एक काम करने की भावना जो थी वो सबसे ऊपर थी और हमारे काम में हमको मज़ा आए ऐसा हमें लगता रहा और एक दूसरे को यही लगा कि इस काम में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, काम को हमने काम समझ के नहीं किया। तो उनके साथ जब कोई काम करता है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने काम किया तो मुझे कभी ऐसा प्रेशर महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम कर रहा हूँ और बस काम को एक मेड इट फन बेसिकली। ऐसा क्या खूबी है अमिताभ जी में कि उनको उनके बाकी कंटेम्प्रेरी स्टार से अलग करती है, उनकी खूबियाँ? बेसिकली अमिताभ बच्चन का अपना एक व्यक्तित्व है, उनका एक अपना स्टाइल है और उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो उनको औरों से परे रखती है। और ऐसा तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वही सबसे बेहतर आर्टिस्ट हैं, और भी कई आर्टिस्ट हैं जो उनके मुकाबले के हैं, बट उनका जो एक बच्चों के जैसा लगाव है किसी चीज़ के पीछे, एक एक जो उनका फोकस है उनके काम पे और उनकी जो एक थिंकिंग है, वो जो इतने थिंकिंग एक्टर हैं कि जब कोई रोल उनके आगे आता है तो उसमें वो एकदम कूद नहीं जाते, वो उसके बारे में पहले 10 बार सोचते हैं, उसको चारों ओर से देखते हैं, उसकी अच्छी तरह व्याख्या करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, कैरेक्टर क्या पहनता होगा, क्या खाता है, क्या खाता होगा, भले ही वो स्क्रीन पर ना देखा जाए, इसका बचपन कैसे बीता होगा, वो उसकी पूरी स्टडी करते हैं कैरेक्टर की, तब जाके वो उस कैरेक्टर को निभाते हैं और तभी उनके कैरेक्टर इतने संपूर्ण उतर के आते हैं जब हम उसको देखते हैं। मेरा सौभाग्य रहा अमित जी के साथ कि मैंने उनकी सबसे पहली एड फिल्म्स बनाई जो BPL के लिए की थी, उनके बाद उसके बाद जो उन्होंने म्यूज़िक वीडियो किए ए बी बेबी एल्बम के लिए, ईद वीर फतेह और कभी कभी, वो भी मेरे बनाए हुए थे और उसके बाद अक्स बनाने का मौका मिला उनके साथ, और आने वाले सालों में हमारे 2 प्रोजेक्ट और हैं जो हम करने जा रहे हैं साथ में। तो मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो फीचर फिल्म में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और म्यूज़िक वीडियो को उतना भाव नहीं दे रहे हैं या कि एड फिल्म को उतनी इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं। काम चाहे जितना ही छोटा हो उन्होंने और चाहे जितना ही बड़ा हो, उन्होंने उसमें कभी फ़र्क ना महसूस किया ना महसूस होने दिया,
वो एक छोटे से छोटे काम को भी उस उतने ही डिलीजेंटली उतने ही फोकस से करते हैं और उतना ही महत्व देते हैं जैसे कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही हो। एक्स को जिस तरह से विजुलाइज किया था क्या वो उसी तरह से हुई एंड उनके रोल को उनके कितने इनपुट्स थे उस रोल के लिए उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? जब भी किसी आर्टिस्ट को कोई रोल दिया जाता है और कोई कैरेक्टर निभाने के लिए दिया जाता है तो वो आर्टिस्ट उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन लेके आता है टेबल पर और वही रोल अगर आप दो या तीन अलग अलग आर्टिस्ट को दे दें तो वो तीनों उस रोल को अपने तरीके से करेंगे। अक्स में मेरा सौभाग्य था कि मनु वर्मा का रोल अमित जी ने निभाया है क्योंकि जो रंग उन्होंने उस रोल में डाला अब अक्स देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद ही कोई और कर पाता। उनकी पोस्ट खुदा गवाह एंड प्री खुदा गवाह आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म्स रही हैं? सॉरी, पोस्ट खुदा गवाह, आफ्टर खुदा गवाह और खुदा गवाह के रिलीज होने से पहले आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म्स हैं? कौन कौन सी फिल्म आई हैं उसके बाद? उनकी खुदा गवाह के बाद आपकी है आंखें, कभी खुशी कभी गम, एक रिश्ता, सब में आपकी कौन सी फेवरेट फिल्में रही हैं और पुरानी फिल्में उनकी कौन सी ज़्यादा पसंद है? मुझे उनकी पुरानी फिल्मों में तो मुझे उनके अभिमान सबसे अच्छी लगी थी और बीच की फिल्मों में अगर हम आ जाएं तो हमारे ऊपर एंथनी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है अमित जी की। कंटेम्प्रेरी में भले ही अक्स मैंने बनाई है बट अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन भी देखूं तो मुझे अक्स में उनका काम सबसे अच्छा लगता है।